हेलो एवरीवन, आज हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं कर्व ट्रेसिंग पे, जिसमें हमें एक ग्राफ स्केच करना है ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का, जो कि पास हो रहा है इन पॉइंट्स से -2, -2, -1, 1, 0, 0 ओरिजिन 1, 1 एंड 2, 2, और जिसके पहले दो डेरिवेटिव्स के साइन दिए हुए हैं। तो साइन ऑफ वाई डैश जो है वो -∞ से -2 में प्लस है, -2 से 0 में नेगेटिव, 0 to 2 इंटरवल में पॉजिटिव और 2 to ∞ नेगेटिव। और सेकंड डेरिवेटिव के जो साइन है वो -∞ से -1 तक नेगेटिव हैं, -1 से 1 में पॉजिटिव हैं और 1 से ∞ में नेगेटिव हैं। तो अगर हमें इसका ग्राफ स्केच करना है तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी वाई एक्सिस है और इंटरवल्स हमें दिए हुए हैं। तो लेट अस मार्क दिस पॉइंट -2, 0, 2, -1, 1। ये ओरिजिन है एंड देन 1, 2, 3, 4 से इस तरफ भी -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ओके, और वाई एक्सिस पे भी पॉइंट ले लेते हैं ऊपर की तरफ 1, 2, 3। तो पहले जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको देख लेते हैं। तो ओरिजिन दिया है 0, 0, तो कर्व इस पॉइंट से पास करेगा ओरिजिन से, देन इधर -2, 2 एंड -1, 1। सो -2, 2 इज ए पॉइंट हेयर, -1, 1 इस तरफ 1, 1 एंड 2, 2। तो कर्व जो है इन 5 पॉइंट्स से पास करेगा और जो कर्व है उसके फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन और सेकंड डेरिवेटिव के साइन दे रखे हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के साइंस का मतलब ये है कि -∞ से -2 तक पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन जो है कर्व जो है इंक्रीजिंग होगा -∞ से -2 में, -2 से 0 में ये नेगेटिव है, मतलब कि कर्व जो है फंक्शन की ग्राफ जो है डिक्रीजिंग होगा, 0 से 2 में अगेन पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा और +2 से ∞ में ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग होगा। सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव के साइंस का मतलब होता है कनकेव अप और कनकेव डाउन। सो -∞ से -1 तक नेगेटिव है सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि कनकेव डाउन रहेगा ग्राफ, -1 से 1 में पॉजिटिव है यानी कि हमें कनकेव अप ग्राफ बनाना है, और 1 से ∞ में नेगेटिव है यानी कि कनकेव डाउन रहेगा ग्राफ इस रीजन, इस 1 से ∞ में। और इंटरेस्टिंगली आप देख ही सकते हैं कि यहाँ साइन चेंज हो रहा है, कर्व इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है, तो -2 जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बनेगा। सिमिलरली पॉइंट x इज इक्वल टू 2 भी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बनेगा क्योंकि ग्राफ प्लस से माइनस में जा रहा है, और ओरिजिन जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है क्योंकि साइन जो है माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है, यानी कर्व डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, तो ये लोकल मिनिमा बनेगा। सिमिलरली यहाँ कनकेविटी भी 2 बार चेंज हो रही है सेकंड डेरिवेटिव से, -1 पे और 1 पे, कनकेव डाउन से कनकेव अप हो रहा है और कनकेव अप से कनकेव डाउन। सो दैट मीन्स -1 और 1 जो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ओके, तो अब हम इस ग्राफ को यहाँ ड्रॉ करते हैं। सो पहले तो -∞ से -2 तक, तो -∞ से -2 तक जब ग्राफ जाएगा ये इंक्रीजिंग ग्राफ है और कनकेव डाउन है। ओके, सो यू हैव टू स्केच ए ग्राफ गोइंग फ्रॉम कमिंग फ्रॉम डाउन एंड इट इज़ ए कनकेव डाउन ग्राफ। ओके, उसके बाद -2 से 0 में ग्राफ डिक्रीज होगा। ओके, सो इस पॉइंट के बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और -1, 1 की तरफ जाएगा, लेकिन अप टू -1 जो है ये कनकेव डाउन ही है, यानी कि इस पॉइंट तक ये कनकेव डाउन ही आएगा। ओके,
कनकेव डाउन, कनकेव डाउन ओके। अब माइनस वन से ज़ीरो की तरफ, तो माइनस वन से ज़ीरो जो है स्टिल डिक्रीजिंग है ओके, बट माइनस वन से ज़ीरो में कनकेव आप है ओके, सो कनकेविटी चेंज हो रही है यहाँ पे, और अब आपको इसके आगे कनकेव आप बनाना है। ज़ीरो के बाद इस वन वन पे जाएगा, तो ज़ीरो से टू तक इंक्रीजिंग है ओके, तो ज़ीरो से टू तक इंक्रीजिंग है यानी ग्राफ इंक्रीज होगा, लेकिन माइनस वन से के बाद ज़ीरो से वन तक कनकेव अप बनेगा ओके, तो ज़ीरो से वन तक कनकेव अप बनेगा और वन के बाद कनकेव डाउन ओके। तो यहाँ से आपको इसकी कनकेविटी अपवर्ड रखनी है और वन के बाद ये यहाँ से अब कनकेव डाउन बनेगा। एंड जब फंक्शन की वैल्यू टू से ज़्यादा होगी तो फंक्शन डिक्रीज करेगा, तो इस पॉइंट के बाद वापस डिक्रीज करेगा और कनकेव डाउन रहेगा ओके, सो डिक्रीजिंग एंड कनकेव डाउन। सो ये जो है इस गिवन प्रॉपर्टीज़ के आधार पे इसका ग्राफ है, जिसमें क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है माइनस टू टू, ये लोकल मैक्सिमा है। सिमिलरली ये जो पॉइंट है टू कोमा टू, ये भी लोकल मैक्सिमा है। ओरिजिन जो है ये लोकल मिनिमा है, और ये जो दो पॉइंट थे माइनस वन और वन जहाँ कनकेविटी चेंज हो रही है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं ओके, माइनस वन वन और वन कोमा वन, ये दोनों ही पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस तरह से हम जो है प्रॉपर्टी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, रफ स्केच बना सकते हैं ओके। होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा ओके, ऑल द बेस्ट।